क्या सच में शिक्षकों ने कोरोना काल में मजे किए हैं? कि हमें इस कोरोना काल में सरकार ने, विभाग ने जो भी काम दिया वो हमने किया है। ऑनलाइन पढ़ाई, आप देख लो कोरोना सेंटर में ड्यूटी, आप देख लो बॉर्डरों पे शिक्षकों की ड्यूटी, घर घर चावल बांटने के लिए ड्यूटी लगी, पुस्तकें लाओ, कंधे पर उठा करके तो पुस्तकें लानी पड़ती है। तो शिक्षकों को क्या है, मजदूर भी बनाया है, क्लर्क भी बनाया है हमने। ऐसे गरीब बच्चों को, अनेक ऐसे गरीब बच्चों को जो है मोबाइल डोनेट किए हैं अपने पैसे से, शिक्षक साथियों ने उनके रिचार्ज के लिए पैसा दिया है, रिचार्ज करवाने के लिए आज गरीब बच्चों की मदद की है। हम प्रेम से ही बोलते हैं, लेकिन जब प्रेम से कोई नासूद है तो फिर हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारी नौकरी नहीं है तो उससे ज्यादा तो हमारी विधानसभा में आरा कार्यकाल हो गया, लेकिन बाकी ने तो मजा किया, मास्टरों ने तो बहुत मजा किया, लेकिन पता नहीं हमने क्या काम किया, वो तो ईश्वर ही जानता है। अध्यापक अपनी एडजस्टमेंट करके रात के 10 बजे क्लास ले रहा है, रात के 8 बजे क्लास ले रहा है, सवेरे ले रहा है, 12 बजे क्लास ले रहा है, इसके लिए ले रहा है। मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उनकी बेटी भी एक शिक्षिका है, क्या उनकी जो ये छवि है, क्या वो अपनी बेटी के प्रति भी उनका यही रवैया है? जब तक अनपढ़ मंत्री हमारे विभाग में बैठे रहेंगे, अगर आप हमें सम्मान नहीं दे सकते, हमारी बेटी मत कीजिए। और अभी तक लगभग हमारी 50 शिक्षक और एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे जो साथी है, उनके कोरोना महामारी के कारण मौत भी हुई है। हमारे पास अच्छे मोबाइल नहीं थे, हमने विशेष कर इसके लिए 20-25 हजार रुपया स्पेशल इसके लिए खरीदा है। माननीय मंत्री महोदय, आप अध्यापकों के बगैर तो आप चुनाव तक नहीं करा पाते, तो किस प्रकार के आप घमंड लेके आप चलते हैं? तो उपयोग अधिकार हम, आप चाहे मंत्री हो चाहे आप जो मर्जी हो, हम किसी को नहीं देंगे और ना हम उसको सहन करेंगे। क्या मजे हमने कर लिए मंत्री जी। यदि आपको ऐसा है कि शिक्षकों के वजह, तो एक बार आप शिक्षक बनकर के देखें। हर घर पाठशाला एक ऐसा कार्यक्रम चलाया गया जिसका ना तो कोई सिलेबस था, ना कोई रूपरेखा थी, लेकिन इस प्रकार के बड़बोले मनुष्य को लगाम लगानी चाहिए। तो इस प्रकार की मानसिकता ये हिमाचल में मैं कहूंगा कि खासकर नहीं चलेगी। मंच में एक सभा में उन्होंने दिया, और जब ये बयान दिया तो वहां पर जितने भी लोग थे वो भी ठाके लगा करके हंस रहे थे। और ऐसे मंत्री को जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है, उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। हम प्रेम से ही बोलते हैं, लेकिन जब प्रेम से कोई नासूद है तो फिर हम दूसरी भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। ये मेरा हमारा ये है। कोई कई बार कुछ लोग वो प्रेम को अदरवाइज लेते हैं, पता नहीं इनको पता नहीं होगा कुछ नहीं, वो ऐसा सोचते हैं कुछ अधिकारी बेरा इनको नहीं होना पता है कि तो ऐसे होने ना लाइक, ऐसा नहीं है पता भी, जिसने तुम्हारी नौकरी नहीं है तो उससे ज़्यादा तो हमारी विधानसभा में हमारा कार्यकाल हो गया। कुछ तो ऐसे हैं उनकी उम्र नहीं, उनकी उम्र नहीं उतनी हुई 35 साल, उतना जो हमारा प्रदेश की विधानसभा में हमारा योगदान रहा है। इस करके मैं अधिकारियों से भी चाहूँगा कि कोरोना काल में काफ़ी अवकाश आपने हासिल किया है, सिवाय IPS के, बाकी तो PWD के भी कुछ 75%, लेकिन बाकी ने तो मजा किया, मास्टरों तो बहुत मजा किया, वो तो फिर फ्रंट लाइन ये बन गए आजकल कि उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगे। चलो ठीक है, लग जाए उनको इंजेक्शन, लेकिन पता नहीं हमने क्या काम किया, वो तो ईश्वर ही जानता है। मैं डॉक्टर मामराज पंडित, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष का दायित्व ऐसा मेरे पास है। मैं एक हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के जो मंत्री है माननीय महेंद्र ठाकुर का बयान सुन रहा था। इस बयान को सुन के बहुत दुख हुआ, दुख इस बात का हुआ कि आप हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री भी है और आप उस सरकार में मंत्री है जो जिसका नेतृत्व जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, अध्यापक ने कोरोना के काल में क्या क्या किया, वो इसका जानकारी आपको अपडेट होनी चाहिए। आप इस प्रकार की सस्ती राजनीति करने के लिए आप इस प्रकार की बयानबाजी ना करें, ऐसी हम आपसे विनती करते और आपसे उम्मीद करते कि आप तुरंत प्रभाव से माफी मांगेंगे। पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वीरभद्र जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने अध्यापकों को मखरचू शब्द कहा था। हमने उस टाइम भी इस आवाज को उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने शब्द को वापस लिया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी वरिष्ठता का परिचय देते हुए आप अपने शब्द पे माफी मांगेंगे और प्रदेश के जो लाखों अध्यापक साथी हैं जिनकी भावना को आपने ठेस पहुंची है, वो उनसे आप माफी मांगने का कार्य आप करोगे। नमस्कार।
हरि प्रसाद शर्मा, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ जिलाध्यक्ष चंबा से। साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात को लेकर हाजिर हुआ हूँ कि हिमाचल सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी द्वारा एक जनसभा में जो है व्यंग भरे अंदाज में उपहास उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है। मंत्री जी ने इस वक्तव्य पर तालियां तो खूब बटोरी हैं, परंतु वो शायद ये बात भूल गए कि ये बात अध्यापक साथियों को कितनी बुरी लगेगी। मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस कोरोना काल में मंत्री जी सब डिविजन ऑफिस में चले जाएं, एसडीएम ऑफिस में चले जाएं, वहां से अध्यापक साथियों की लिस्ट लें कि कितने लोग जो थे वो दिन रात इंटरस्टेट बैरियर पर बैठे रहे, वो अपनी ड्यूटी करते रहे, और कितने लोग जो हैं वो कितने अध्यापक साथी जो हैं, चाहे वो शहर में थे चाहे वो गांव में थे, अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा निदेशालय में भी मंत्री जी चले जाएं और वहां से सूची प्राप्त करें शिक्षा निदेशालय से कि कितने लोग जो हैं, कितने अध्यापक साथी जो हैं वो ड्यूटी करते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और कितने साथियों ने अपनी जान जो है, अपनी कुर्बानी जो है इस कोरोना काल में दी है। हमारे अध्यापक साथी ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बच्चों को काम दे भी रहे हैं, अपने फर्ज को निभा भी रहे हैं और साथ में कोरोना काल की ड्यूटी जो है वो भी दे रहे हैं। परंतु मंत्री जी इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं कि अध्यापकों के मजे हैं, मास्टरों के मजे हैं और ऊपर से फर्स्ट लाइन वॉरियर, क्या मजे हमने कर लिए, क्या कर लिया? दिन रात हम ड्यूटी करते रहे, बैरियर्स पे रहे, अध्यापक के बैरियर्स पे ड्यूटी करते करते हमारे चंबा जिले से एक साथी जो था वो बैरियर्स पे ड्यूटी करते हुए शहीद भी हुए हैं, उन्होंने कुर्बानी भी दी है। तो मेरा यहाँ पर यह मानना है कि हमारे अध्यापक संघ की तरफ से एक चीज़ कहनी है मंत्री जी को कि हमारे अध्यापक साथियों को बहुत ठेस लगी है उनके इस वक्तव्य से, क्योंकि वक्तव्य देना एक अलग बात होती है परंतु मजाक उड़ाना और उस पर तालियां बटोरना बहुत बड़ी बात है और उससे हमारे अध्यापक साथियों को, अध्यापक समाज को बहुत बड़ी ठेस लगी है। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अध्यापक साथियों की इज्जत को देखते हुए माफी मांगे और राज्य सरकार भी अगर उसमें कोई एक्शन ले सकती है तो राज्य सरकार भी उसमें कोई एक्शन ले। मैं सिर्फ इतना ही कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मैं अध्यापक साथियों से भी एक निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे अध्यापक साथियों पर इज्जत का सवाल आएगा, हमारे साथियों को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद के इस फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, क्या सच में शिक्षकों ने कोरोना काल में मजे किए हैं? कहीं ना कहीं हर बार शिक्षकों को ही इंगित किया जाता है, कुछ भी बात हो मास्टर है जी, मास्टरों के मजे हैं, मास्टरों कोरोना काल में मास्टर तो ऐश कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन सही बात है, जैसे अमनदीप जी ने प्रारंभ में कहा कि जिसने कार्य किया है उसको पता है कि शिक्षकों के ऊपर कैसे कैसे जो है वो कार्य विभाग के द्वारा कराए गए और शिक्षकों ने किए हैं। मैं चाहूंगा कि यदि संभव हो अमनदीप जी एक वीडियो क्लिप जो थे वो दिखाना चाहते थे, यदि संभव है तो उसे दिखाएं पहले, उसके बाद हम जो इस चर्चा में चलते हैं। सिवाय आईपीएस के, बाकी तो पीडब्ल्यूडी के में कुछ 75%, लेकिन बाकी तो मजा किया, मास्टर तो बहुत मजा किया। तो फिर फ्रंट लाइन ये बढ़ गया वार्ड कि उनको सबसे पहले इंजेक्शन लगे, चलो ठीक है लग जाए इंजेक्शन, लेकिन पता नहीं हमने क्या काम किया, वो तो ईश्वर ही जानता है। सभी शिक्षक संगठन मिलकर उनको इसके ऊपर एक सफाई देनी चाहिए और ये बताना चाहिए समाज को कि शिक्षकों ने किस तरह से इस कोरोना काल में अपनी जिम्मेवारियों को निभाया है। विद्यालय काल में जितनी मेहनत अध्यापकों ने की है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत जो है वो ऑनलाइन माध्यमों से की है। ये जो माननीय मंत्री जी का बयान है
ये बहुत ही हास्यास्पद है और दुख इस बात का है कि एक मंच में, एक सभा में उन्होंने दिया, और जब ये बयान दिया तो वहां पर जितने भी लोग थे वो भी ठाके लगा करके हंस रहे थे कि हमें इस कोरोना काल में सरकार ने, विभाग ने जो भी काम दिया वो हमने किया है। और जहां तक शिक्षा विभाग की जो लाज बची है वो हर घर पाठशाला के माध्यम से बची है। शिक्षकों ने हर घर पाठशाला को कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं अपनी बात कहूं तो हमारे पास संसाधन नहीं थे। कक्षा छठी का जो है, आजकल मैं संस्कृत का कार्य कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, तो क्योंकि दिन में तो आवाज होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग रात को करनी पड़ती है जाकर के। घर में ब्लैक बोर्ड, जो ग्रीन बोर्ड लेकर के रखा है, ट्राईपोर्ड लेकर के रखा, अपना माउस लिया, कीबोर्ड लिया और सारे काम करके तब हम वीडियो बना करके, वर्कशीट बना करके दे रहे हैं। और विद्यालय के जो काम है उन विद्यालय के कामों को भी हम कर रहे हैं भली भांति, लेकिन फिर भी इस तरह के जो हमें दिया जा रहे हैं, मैं पता नहीं है कि वो कैसे, किस स्थिति में उन्होंने ये बयान दिया, ये तो वही जाने। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि मंत्री जी, यदि आपको ऐसा है कि शिक्षकों के वजह, तो एक बार आप शिक्षक बनकर के देखें और शिक्षक बनकर के देखिए कि किस तरह की परिस्थितियां, किस तरह की समस्याओं का सामना जो है शिक्षकों को करना पड़ता है। इस तरह के बयान ये सरकार को ले डूबेंगे, क्योंकि भविष्य में चुनाव भी नजदीक हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के बयान जो है वो कहीं शिक्षकों की नाराजगी ये भारी पड़े और कहीं ये जो है विपरीत दिशा की तरफ जो है कहीं सरकार के जाए। सर, जैसे आपने अभी चर्चा शुरू की है, पिछले एक वर्ष से जब से ये कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में आई है, हिमाचल प्रदेश ने भी इसने बहुत विकराल रूप धारण किया था, तो सबसे ज्यादा इस कोरोना महामारी से जो प्रभावित हुआ है वो हमारा शिक्षा का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। उस समय हमारे शिक्षा विभाग में ऐसा ही कोई व्यवस्था नहीं थी कि किस तरह से अपने जो नल्ले मने बच्चे हैं, सभी विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, शिक्षा को किस तरह से जारी रखा जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न जो है शिक्षा विभाग के सामने और शिक्षा मंत्रालय के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों के सहयोग से, शिक्षा विभाग के सहयोग से मिलजुल करके एक रास्ता निकाला गया कि हर घर पाठशाला एक ऐसा कार्यक्रम चलाया गया जिसका ना तो कोई सिलेबस था ना कोई रूपरेखा थी, लेकिन फिर भी हमारे ये शिक्षक जो हमारे टीचर्स हैं उन सभी शिक्षकों ने मिलकर के उसका एक सिलेबस बनाया, उसके एक वीडियोस बनाया, ऑनलाइन माध्यम से जो है प्रदेश भर के सभी बच्चों को, इवन जो हमारे प्राइमरी लेवल के छोटे छोटे बच्चों तक जो है हर घर पाठशाला कार्यक्रम को लॉन्च किया। तो इस समय जब से जो कोरोना महामारी का दौर चला है, सर्वप्रथम जैसे ही महामारी के दौरान बॉर्डर पे और जो दूसरी जो हमारी स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, जहां पर जो प्रशासन द्वारा कर्फ्यू लगाए गए, तो उसमें ऐसे कोई भी अन्य कैटेगरी जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसे कोई भी विभाग उनके साथ जो है सहयोग के लिए मौजूद नहीं था कि वो नाके पे वहां बैठे। तो हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों ने, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक है चाहे बड़ी क्लासों के शिक्षक है, सबने मिलकर के पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां जहां भी बैरियर नाके लगे हैं, बॉर्डर पे ड्यूटी दी है, आपके कर्फ्यू में, नाइट कर्फ्यू में ड्यूटी दी है। मैं कहूंगा कि सुबह डे नाइट, इवन हमारे जो टीचर्स हैं वो 10 से 12 12 घंटे डे नाइट जो है उसमें ड्यूटीज दी है, वहां पे कोरोना के बैरियर के नाते दी है, और ताकि वहां पे जो बॉर्डर से आ रहे लोग हैं उनकी टेस्टिंग की है। फिर भी उन शिक्षक साथियों को जो है कोरोना वॉरियर का दर्जा नहीं दिया गया था, उसके बावजूद अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोरोना महामारी में हमारे शिक्षक साथियों ने वहां पे सहयोग दिया। और अभी तक लगभग हमारी 50 शिक्षक और एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे जो साथी है उनके कोरोना महामारी के कारण मौत भी हुई है। और उसके साथ शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे संगठन है, हमने प्रदेश सरकार को कोविड राहत कोष में जो है अपनी सैलरी के साथ साथ अतिरिक्त भी, मैं कहूंगा कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा, तो हमने लगभग 50 लाख रुपए जो हमारा सैलरी है जो विभाग के द्वारा काटी गई थी, उसके अलावा प्रदेश सरकार को कोविड राहत कोष के लिए अपना तन मन धन से जो है सहयोग किया। और उसके बाद ये जो शिक्षा का कार्यक्रम चला, हर घर पाठशाला का कार्यक्रम चला है, रात दिन हमारे अध्यापक मेहनत करते हैं, लाइव क्लासेस लगाते हैं, उसके लिए इतनी मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह केवल एक शिक्षक ही जानता है। पूरे देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 में आया है, अभी जो रिपोर्ट आई है, तो ये सारा श्रेय हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को जाता है। लेकिन किसी वरिष्ठ मंत्री द्वारा ऐसे वक्तव्य जारी करना कि शिक्षक जो है वो मौज ले रहे हैं,
या फ्रंट कोरोना वॉरियर जो है ऐसे बनाए गए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षक कोई मौज नहीं ले रहा है, शिक्षक तो इतनी दिन रात मेहनत कर रहा है जिसके परिणाम आपके सामने, आप हर स्कूल के हर गांव के एक बच्चे को पूछिए, उस हर बच्चे तक जो है शिक्षक पहुंच रहा है। और रही बात फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेशन की, तो मुझे थोड़ा सा ये हास्यास्पद बयान लगता है, क्योंकि अध्यापकों को शिक्षकों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में ही आया था। कैबिनेट में सभी मंत्रियों ने ये डिसाइड किया था कि शिक्षक जो फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, कर्फ्यू में काम कर रहे हैं, और अभी जो स्कूल हमारे खुल रहे हैं तो उससे पहले उनको वैक्सीनेट किया जाए, इसलिए उनको फ्रंटलाइन वर्कर बनाया गया है। जी, तो इस तरह जी, की जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, हम उनकी कड़ी निंदा करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपसे मांग करता है और माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता है, किस प्रकार के बड़बोले मंत्रियों को, मैं शब्द यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, इस प्रकार के बड़बोले मंत्रियों को लगाम लगानी चाहिए। पिछली सरकार ने वीरभद्र जी ने शब्द यूज किया था, इन्होंने मकर से शब्द यूज किया था हम अध्यापकों के लिए, तो बाद में मैंने भी माफी मांगी थी। आप आगे आए और सभी अध्यापक साथियों से, जो हमारे 50,000 अध्यापक, हमारे शिक्षा विभाग अध्यापक साथी अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना महामारी में, आप उनकी उनकी भावनाओं को, उनके जो परिवार है सबसे माफी मांगे। सवेरे से इस चीज को जब 1-2 बजे से ये वायरल हुआ वीडियो, तब से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अध्यापकों के बीच में इतना आक्रोश है, इतना विरोध है, अगर यही आक्रोश यही विरोध चलता रहा तो ये सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत है। इसलिए ऐसे जो हमारे वरिष्ठ मंत्री है, तो मुझे, मैं आशा करता हूं कि इनको ऐसे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, उसी जनसभा में आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, बिल्कुल बैठे थे, परंतु जिस तरीके से मैं देख रहा था मंत्री जी कह रहे थे, महेंद्र ठाकुर जी कह रहे थे, तो उन मतलब वो लग रहा था कि केवल महेंद्र ठाकुर ही काम कर रहा है, केवल जन स्वास्थ्य सिंचाई विभाग ही काम कर रहा है, बाकी वह काम नहीं कर रहे। कभी पीडब्ल्यू की तरफ इशारा कर रहा था, कभी एजुकेशन की तरफ इशारा कर रहे थे। तो कहने का मतलब मुझे ये लग रहा है कि उनमें या तो ज्यादा बड़पन आ चुका है, या फिर सरकार की छवि को नुकसान करने का उनका कोई कार्यक्रम है। रही बात प्राथमिक विद्यालयों की, कि प्राथमिक विद्यालयों के तो मैं कहूंगा कि बहुत इतना ज्यादा काम प्राथमिक विद्यालय में है। प्राथमिक विद्यालय में 7 क्लासें शुरू कर दी गई है, प्री प्राइमरी में नर्सरी केजी है, उसके बाद 1st to 5th क्लास, लेकिन उन 7 कक्षाओं को पढ़ाने वाला केवल 2 प्राथमिक शिक्षक है। अधिकतर स्कूलों में 2 प्राथमिक शिक्षक है, वो लैंग्वेज टीचर्स भी है, वो फिजिकल का टीचर भी है, वो जो जितने भी विषय हैं वो केवल वही टीचर जो है वो पढ़ाता है। उसके बावजूद वो पूरा एक डाक का जो पूरा काम होता है, एमडीएम का काम वही देखता है, सिविल वर्क स्कूल में जो होते हैं बिल्डिंग्स होते हैं, बाउंड्री वॉल, टॉयलेट्स, सारा काम वही करता है। उसके बाद उसकी बीएलओ की ड्यूटी लगती है, डीओ की ड्यूटी लगती है, इलेक्शन में चुनावी ड्यूटी लगती है, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, हर जगह में कोई सेमिनार होता है, कोई सर्वे होता है, तो टीचर्स को ही जो है उसमें भेजा जाता है फील्ड में, वो के लिए आदेश आते हैं कि आपने ही करना है, कि आप ही ये कर सकते हैं। लेकिन जब वो ईमानदारी से अध्यापक, हमारा ये शिक्षक वर्ग का ये ईमानदारी है कि हम ईमानदारी से हर काम को कबूल कर लेते हैं और उसको करते हैं, जिसका नजायज फायदा जो है हमारे ये कुछ नेता लोग और कुछ ऐसे लोग उठाते हैं और ये सोचते हैं कि टीचर जो है कुछ नहीं करा, जबकि अगर ये हमारे कैंपस में कभी आए और हमारे जो समस्या आए उनको सुने, उसको समझे, तो उनको पता चलेगा कि अध्यापक कितना काम करता है। अभी हिमाचल में एक पढ़ना लिखना अभियान चला हुआ है, जिसमें जो निरक्षर लोग हैं 15 वर्ष से लेकर 60-80 वर्ष के, उनको पढ़ाया जाना है। तो हमारे ये जितने भी शिक्षक है वो उसी में सर्वे करने में, पढ़ाने में, पिछले 4-5-6 महीने से हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में ये कार्यक्रम चला, वो भी शिक्षक ही कर रहे हैं, गाँव के लोगों को उनको मोटिवेट कर उनको पढ़ा रहे हैं। तो हर काम तो शिक्षक करता है, लेकिन इनको जो हमारा शिक्षा विभाग का कार्य नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ उनका आना नहीं, उनको लगता है कि पानी है तो पानी होगा, जल है, जो जो डिपार्टमेंट, उनको अपना ही डिपार्टमेंट दिखता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो जिस मंत्रालय का मंत्री है या अधिकारी है या कर्मचारी है, वो अपना मंत्रालय संभाले, दूसरे मंत्रालय में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है, उसके लिए शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय हिमाचल प्रदेश के शालीन स्वभाव के हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री जी वो भी शालीन स्वभाव के हैं, उन सभी के प्रयासों से ही अध्यापकों को फ्रंटलाइन वर्कर जो है कैबिनेट में घोषित किया गया था। वो सभी भली भांति परिचित है, लेकिन इस तरह के जो बयान
किसी और मंत्रालय का मंत्री किसी दूसरे लोगों के बारे ऐसे बयान जारी करें तो उससे जो है प्रदेश सरकार की छवि भी खराब हो रही है और जो उस विभाग के मंत्री है उनको भी बाईपास किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बात ये भी है कि मंत्री जी ने ये बात रखी है कि शिक्षकों ने मजे किए हैं, तो शिक्षकों ने मजे किए हैं तो पूरे भारत में आपका हर घर पाठशाला का उपक्रम कैसे प्रसिद्ध हो गया? पूरे भारत में हर घर पाठशाला की जो सराहना की गई है वो किसके बल पे की जा रही है? और भी हिमाचल प्रदेश की बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षकों का सहयोग रहता है। शिक्षकों के सहयोग के बिना वो कार्य सरकार के पूरे नहीं होते हैं। आज सरकार की अगर देश में बहुत सारे विषयों में वाही वाही है तो उसका प्रमुख कारण कहीं ना कहीं शिक्षक अवश्य है। शिक्षक किसी भी परिस्थितियों में, चाहे चुनावों की बात आए, चुनावों में आपने देखा कोरोना काल में ही पीछे चुनाव हुए थे और हमारे यहाँ पर कुछ साथी लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव उस समय चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो किसने करवाई थी? वो शिक्षकों ने करवाई थी। आज मैं स्वयं भी हर घर पाठशाला में कार्य कर रहा हूँ पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि उतनी चुनौतियों का सामना मैंने जो है अपने विद्यालय में नहीं किया है जितना मैंने ऑनलाइन शिक्षा में किया है। एक 10 मिनट की वीडियो को यूट्यूब तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और बहुत ज्यादा अपने संसाधन खर्च होते हैं उन सब चीजों में, परंतु कभी भी हमने सरकार से उन संसाधनों की पूर्ति के लिए धन की मांग नहीं की। हमने सोचा कि ये हमारा कर्तव्य है और जिस तरीके से भी जो भी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को लेकर हम उनका समाधान की ओर जाएं। शिक्षकों ने वहां पर साथ दिया तब जाके हर घर पाठशाला का ये कार्यक्रम जो है सफल हो चुका है। हमारे पास अच्छे मोबाइल नहीं थे, हमने विशेषकर इसके लिए 20-25 हजार रुपया स्पेशल इसके लिए खरीदा है। और मैं ये बात स्वयं के लिए नहीं कहता, बहुत सारे शिक्षकों को ये खरीदना पड़ा है। वो इसलिए खरीदना पड़ा है क्योंकि बहुत सारे जो आजकल फरमान जो है मोबाइल के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं वो सामान्य मोबाइलों से नहीं होते हैं। वो कार्य आज फार्म भरने की बात है, बच्चों से गूगल मीट करने की बात है, आज विभाग की तरफ से भी ये बात आती है कि आज 3-3 घंटे की, आज 2-2 घंटे की मीटिंग होगी, बैठक होगी, परंतु वो होगी कैसे? क्या हमारे पास ऐसे संसाधन है? तो वो संसाधन भी शिक्षकों ने कभी सरकार से नहीं मांगे हैं, वो भी उन्होंने अपने स्तर पर उन सभी संसाधनों को जुटाया है। और 3-3 घंटे आप जितनी भी ये बैठकें होती हैं लगातार उसमें डाटा जो होता है खर्च वो भी शिक्षकों ने अपनी तरफ से किया है। तो इस प्रकार की कितनी सारी बातें हैं वो जो शिक्षकों से जुड़ी हुई है, फिर मंत्री कह देते हैं कि शिक्षकों के मजे हैं। शिक्षकों के मजे नहीं है, मानसिक स्थिति जो है वो जिसके ऊपर तनाव भरा वातावरण जिसके ऊपर रहता है वो जानता है। अगर शिक्षकों के छात्रों को अगर शिक्षा से वंचित होना पड़ा है तो उसके लिए भी शिक्षकों के ऊपर बहुत ज्यादा तनाव रहा है और उस तनाव को उसने झेला है। तो क्योंकि एक बाहर जाके परिश्रम करना और साथ में उसके दूसरी तरफ आप मानसिक तनाव को सहना, ये दोनों में काफी फर्क होता है। ये बात तो आज मंत्री जी ने कह दी। समाज में भी लोगों की ऐसी बहुत सारी विचारधारा है, लोग ये समझते हैं कि शिक्षकों के मजे हैं। भाई शिक्षकों के मजे कैसे हो गए? आप एक दिन आपके परिवार का यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षक होता तो आपको पता चलता कि शिक्षकों के कैसे मजे हैं। आज कोरोना सेंटरों में जब शिक्षक अपनी नियुक्तियां दे रहे थे, ड्यूटियां दे रहे थे, घर में आ रहे थे, सरकार की तरफ से वहां उन शिक्षकों के लिए कोई किट का प्रावधान नहीं था। वो अपने बलबूते जो उनके साधन थे उन साधनों का प्रयोग करते हुए वो वहां जा रहे थे और अपने परिवार में आकर उस खतरे के साथ अपने परिवार में शामिल हो रहे थे। जहां पूरे भारत में जो बड़े से बड़े डॉक्टर जो सारा दिन पूरी किट पहने रहते हैं, पूरा इंतजाम किए रहते हैं, वो भी कोरोना काल में नहीं बचे। उस स्थिति में शिक्षकों ने जाकर बहुत ज्यादा जगहों पर अपनी जान को, अपने पूरे परिवार की जान को दांव पर लगाकर सरकार का सहयोग किया है, कंधे से कंधा मिलाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी और उसके साथ साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी ये दोनों जानते हैं कि शिक्षकों ने किस प्रकार से इन सरकार का सहयोग किया है।
हम शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार मिल चुके हैं, बहुत ही उनका सौम्य स्वभाव है और बड़े अच्छे ढंग से बात करते हैं, परंतु ऐसी प्रथा वो भी सांस्कृतिक प्रधान प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अगर मंत्री जी कह दें और वो भी शिक्षकों के प्रति, तो भला ये सोचिए कि ये हमारा हिमाचल जा कहाँ रहा है। हम अपने माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा क्या दे रहे हैं? हम विद्यालयों में चाहे जितने भी अच्छे ढंग से छात्रों को पढ़ा लें, परंतु यदि मंत्री लोग समाज में इस तरह की भावना को उत्पन्न करते हैं जो कि समाज में ऐसा संदेश जाता है कि शिक्षकों ने वाकई कुछ नहीं किया है, तो हमारी शिक्षा तो व्यर्थ हो गई। और इस प्रकार की यदि नेतृत्व यदि ऐसी बात समाज में करता है तो वो निश्चित रूप से वो चिंतनीय है और वो निंदनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। सभी अध्यापक संगठन मिलकर, मुझे लगता है कि हिमाचल में सभी संगठनों को एक साथ मिलकर ऐसी सभी जो बातें आती हैं उनका सामने आकर कटाक्ष करना चाहिए। आज सोशल मीडिया हमारे साथ है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ है, हमें भी कहने की जो है जो आजादी है, हम भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास वोट का अधिकार है तो हमें बोलने का भी अधिकार है। हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद यदि आपको ऐसा इनाम मिलता है तो फिर तो आप कहिए कि आप कैसे राज्य में हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर मनोज शैल जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नेतृत्व को कभी भी समाज के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो समाज में गलत धारणाओं को उत्पन्न करती हो, क्योंकि इससे हमारे जो छात्र हैं वो छात्र जो हैं वो भी सुनते हैं कहीं ना कहीं जाकर, उनके मन में भी ये भावना आती है और कल को जाकर वो कभी किसी गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं, कभी किसी पद के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो उनके मन में भी शिक्षकों के प्रति ऐसे विचार रहते हैं। आज बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ये मंत्री जी नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग हैं जिनके मन में इस प्रकार की बातें हैं, तो वो ये भला क्यों भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पीछे शिक्षकों का भी साथ रहा है, उनके जीवन में भी कोई ना कोई शिक्षक उनके साथ में रहा है। तो डॉक्टर मनोज शर्मा जी, मैं आपके पास चलना चाहूंगा, आगे आपके अतिथि को जोड़ते हैं। जी ये बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर मनदीप जी, वास्तव में मैं ये कहूंगा कि शिक्षक जो है वो प्रदेश में, जैसे कहते हैं कि हमारे अंग्रेजी में कि हेल्पिंग वर्ब होता है, या हम संस्कृत में कहें कि क्रिया होती है, उसके बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। आप जितना जैसा भी वाक्य बना लो, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो वाक्य पूरा नहीं होगा। हर क्षेत्र में शिक्षक की योग्यता है, और आप देख लो ऑनलाइन पढ़ाई, आप देख लो कोरोना सेंटर में ड्यूटी, आप देख लो बॉर्डरों पर शिक्षकों की ड्यूटी, क्योंकि आपने बॉर्डर में शिक्षक ड्यूटी दी है मुझे पता है, और घर घर चावल बांटने के लिए ड्यूटी लगी कोरोना काल में कि चावल बच्चों को बांटो, और फिर उसके बाद पुस्तकें लाओ, कंधे पर उठा करके तो पुस्तकें लानी पड़ती है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने या सरकार ने तो शिक्षकों को क्या है, मजदूर भी बनाया है, क्लर्क भी बनाया है, पढ़ाने के अलावा सारे काम रखे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक जो है सभी कामों को करते भी हैं और पढ़ाई के काम को भी बखूबी जो है वो निभाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। और शिक्षक केवल अपने छात्र हित में मगन रहता है कि कैसे छात्रों का हित हो, कैसे मेरा विद्यालय अच्छा बने, कैसे मेरा विद्यार्थी अच्छा बने। आज जो उच्च पदों पर भी आसीन है, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे आईपीएस हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब, उन सबको वहां तक पहुंचने का माध्यम क्या है, एक शिक्षक है। बिना शिक्षक के वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। और आज ये समय है, मैं तो चाहूंगा कि सभी संगठनों को मिलकर के यदि मंत्री जी इस विषय पर माफी नहीं मांगते हैं और वो फिर ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं, तो हमें जो है एक संयुक्त समन्वय समिति बना करके जो है इसके विषय में जो है इसके विरोध में हमें उतरना पड़ेगा। यदि कहीं ऐसा होता है या दोबारा जो है पुनः ऐसी टिप्पणियां आती हैं, डॉक्टर मामराज पुंडीर जी जुड़े हैं हमारे साथ और मैं उनके पास भी जाऊंगा कि कहीं ऐसी अदर टिप्पणियां आती हैं, ऐसी दोबारा होती है तो हमें किस तरह के कदम उठाने चाहिए। डॉक्टर मामराज पुंडीर जी। मनोज जी, मेरा बड़ा सीधा सा कहना है, अगर आप हमें सम्मान नहीं दे सकते, हमारी बेइज्जती मत कीजिए। जी बिल्कुल। मुझे एक क्षण याद है जब मैं शिक्षा मंत्री के साथ था, मंत्रालय बदल गया जी। तो मैं एक डेढ़ महीना उनके साथ फिर भी रहा,
हम एक कार्यक्रम में गए तो मैं पीछे बैठा हुआ था और मैं एक प्रधान जी वहां पे आए और प्रधान वो आठवीं टेंथ प्लस वन मुझे नहीं पता कहाँ तक पढ़े थे। उन्होंने शब्द यूज किया माननीय भारद्वाज जी के सामने कि भारद्वाज जी अब आपका मास्टर मस्तानी से पीछा छूट गया। और उस बैठक में 150 से आसपास लोग थे और वो मुझे इतना पिंच हुआ, मैं वहां खड़ा हुआ, मैंने प्रधान जी को कहा प्रधान जी मुझे नहीं पता कि आपकी शिक्षा क्या है, मुझे नहीं पता इस जहाँ ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये मेरी बात को किस तरह लेंगे, फिर भी मैं आपको प्रधान जी बोल रहा हूँ, हमने जब आपकी कभी आप किसी और की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई, हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमारी भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार हमने हमें ना मंत्री को देंगे ना मंत्री के चमच को देंगे। सही बात है। हम अपने विद्यालय में काम करने वाले जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं हम उनको भी जी करके बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मंच पे जाके इस भाषा का उपयोग आप इसलिए लेते हैं कि लोग आपकी तालियां बजाए, तो ऐसी भाषा का उपयोग अधिकार हम आप चाहे मंत्री हो चाहे आप जो मर्जी हो हम किसी को नहीं देंगे और ना हम उसको सहन करेंगे। अगर माननीय मंत्री महोदय ने अभी भी समय रहते इस विषय पे अपनी माफी नहीं मांगी तो आने वाला हर कार्यक्रम जो माननीय मंत्री करेंगे हम उसका बायकॉट करेंगे और जहां भी मिलेंगे हम उसका भरपूर इसका विरोध करेंगे। आप आपके पास आप मुझे दूसरा दूसरा मैं बड़े 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 कड़ू शब्द यहाँ पे कह रहा हूँ। जी जी। जब तक अनपढ़ मंत्री हमारे विभाग में बैठे रहेंगे ये आप मुझे नहीं पता महेंद्र जी एक फौजी थे दसवीं के बाद लग गए होने फिर वापिस आए होने और यहाँ राजनीति पे आ गए। आप इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है, आपने 7 बार का विधायक है, आपने एक इतिहास खड़ा किया है, आप लिप्ता बुक रिकॉर्ड में आपने नाम दर्ज किया है, तो ऐसी भाषा अगर आप बोलोगे वो बहुत 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 हर्ट करने वाला विषय है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भाई साहब ये भी कहा कि देखो इतनी आपकी उम्र नहीं होगी जितना मेरा विधानसभा में कार्यकाल हो गया, तो क्या ऐसे बयानों के लिए कार्यकाल है आपका? फिर मैं फिर एक और चिंतन भी हमारे केसर भाई साहब ने भी कहा यहाँ पे कि वहां पे जो जनता थी वो ठाका लगा रही थी। बिल्कुल। आप अध्यापक बनने के लिए मेरे ख्याल जितने भी हम यहाँ बैठे हुए मैं दो तो मैं भी देख रहा हूँ डॉक्टर है पीएचडी जिन्होंने किया हुआ है, मैं दूसरी श्रेणी में आता हूँ और कोई ऐसी नहीं डिग्रियां मिल जाती हम आप माननीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी आप शिक्षा नहीं शिक्षा नहीं बन पाओगे, हम कभी भी मंत्री बन सकते हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ आदमी आप ऐसे शब्दों का उपयोग आप मत करें, हमारी भावनाएं हमारे हम एक समाज में रहने वाले लोग हैं, जब हम समाज में जाते हैं लोग इस प्रकार की भाषा का उपयोग हमारे सामने करते हैं, हमारे बच्चे सुनते हैं वो इस भाषा का उपयोग। अभी मैं अंदर लाइव चलाता तो मैं बाहर आ गया, मेरी बिटिया प्लस टू पास आउट की है उसने ये शब्द सुने तो वो भी हंस रही थी। तो आप हमारी भावनाओं का ठेस पहुंचाने वाले माननीय मंत्री महोदय आपको सत्ता का जो है वो मुझे लगता है जितने मजे तो आपने किए होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल पर्सनलाइज हो जाएगा ये हम मैं कहना नहीं चाह रहा था, तो आप हमें मत सिखाइए। हमारा हर अध्यापक ने इस काल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, केसर जी और हेमराज यहाँ बैठे पूछे जरा कैसे आपने मेरे पास मैं डाटा था हमारे पास हमारे अध्यापक खास प्राइमरी में तो इतने छोटे छोटे बच्चे उनको आप कंप्यूटर के सामने दिखाओगे फिर वीडियो से दिखाओगे टीचर नाच रहे होते थे हमने खुद देखा हुआ ये टीचर को प्रार्थना करवानी है फिजिकल एक्टिविटी करानी है खुद नाचना पड़ रहा था। आप माननीय मंत्री महोदय ये घमंड आपका है इस घमंड और इससे आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में एक सरकार की छवि को खराब करने का काम आपने किया है, ये बहुत दुर्भाग्यवश है। जी बिल्कुल, बहुत आपने सारपूर्ण बात रखी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए और मैं ये चाहूंगा कि भविष्य में यदि ऐसे बयान आए और यदि मंत्री जी इस बयान को वापिस नहीं लेते हैं शिक्षक समाज से माफी नहीं मांगते हैं तो भाई केसर जी के पास जाना चाहूंगा, तो इस पे हमारा हम शिक्षक संगठनों का जो है इस पे क्या फिर आगे रवैया होना चाहिए यदि इस तरह से वो अपने बयान को वापिस नहीं लेते हैं। मनोज जी बस एक विनती मैं केसर जी से करना चाहूंगा कि दिल्ली का रास्ता खाली है वहां भिजवा दीजिए हिमाचल सेफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। काम कर रहे हैं क्या वो मजे ले रहे हैं कि काम कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के माता पिता जानते हैं, उनसे हमें आग्रह आता है कि हमारे 3 बच्चे हैं हमारे पास एक ही मोबाइल फोन है तो आपसे आग्रह है कि आप सुबह नहीं आप शाम को इन बच्चों की क्लास लीजिए, तो अध्यापक अपनी एडजस्टमेंट करके
रात के 10 बजे क्लास ले रहा है, रात के 8 बजे क्लास ले रहा है, सवेरे ले रहा है, 12 बजे क्लास ले रहा है, किसके लिए ले रहा है? बच्चों के लिए, क्योंकि उसका जो एक कार्य है, बच्चे हैं तो अध्यापक है, अध्यापक है तो बच्चे हैं। अगर स्कूलों में छुट्टियां हैं तो बच्चे नहीं है तो अध्यापकों का काम है, और वो जो काम है वो बच्चे घर से, अध्यापक जो घर से कर रहे हैं, जो बच्चों को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब मुझे लगता है कि मंत्री जी अपने जो है विभाग तक ही सीमित रहे, इससे आगे गए नहीं, कभी किसी के घरों को उन्होंने झांका नहीं कि उस घर में, जिसके घर में 3-4 बच्चे हैं, उस घर की स्थिति को देखिए आप कि किस तरीके से एक एक अध्यापक, 5-6 अध्यापक दिन में आ रहे हैं, जो उनको कोई ऑनलाइन क्लासेस करा रहा है, कोई होमवर्क करा रहा है, कोई फोन आ रहा है कि आपके बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, उन सबको पता है कि अध्यापक मजे ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल, यहाँ तक कि शिक्षकों ने मोबाइल फोन दिए हैं छात्रों को खुद लेकर के कि आप काम करें, मोबाइल फोन दिए हैं, जहां जरूरत पड़ी जहां नहीं चला, जहां मैं हूं वहां पर बहुत सारा एरिया ऐसा जो नेटवर्क नहीं चल रहा था, हमने वहां पर नोट्स बना करके बच्चों को दिया है। और उसके बाद मैं एक प्रिंसिपल की भूमिका भी निभा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई दिन आया नहीं जिस दिन मैं स्कूल गया, इतनी बड़ी टाके, इतनी बड़ी चिट्ठियां, कभी हमने एक अध्यापक को बुलाना आज, कभी दूसरे को बुलाना, कभी तीसरे को बुलाना आज, और वो भी हमारे आग्रह पर आते सरकार के छुट्टी करने के बावजूद भी। कहने का मतलब हमारा अध्यापक समर्पित है, काम कर रहा है कोरोना के काल में, जहां पर आप देखिए बॉर्डर पर हमारा अध्यापक लग रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है वो पुलिस वाला है वो वर्दी पर है, और हमारा अध्यापक बिना वर्दी से गाड़ी रोक रहा है, और गाड़ी वाले कितनी बदतमीजी उसके साथ कर रहे हैं, वो उसकी आत्मा जा रही है जी। उसके बाद हॉस्पिटलों में हमारा अध्यापक जा रहा है, और जो अध्यापक आपका हॉस्पिटल का स्टाफ है वो आपका किट में है, हमारा अध्यापक बिना किट से बैठा हो, और वहां पर कितनी ह्यूमिलेशन उसको हो रही है, कितनी स्थितियां। और उसके बाद हमने पंचायत इलेक्शन कितना बखूबी से नवाया उसको, क्या मंत्री जी को ये सारी बातें दिखी? अगर दिखी नहीं है तो मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इनको ये सारी बातें दिखाए, सारी बातें बताए, ताकि वो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चले। बिल्कुल बिल्कुल, फिर बयान ऐसे देखा, अभी पंचायत इलेक्शन हुए और पंचायत इलेक्शन जब करवा दिए तो ये कहा गया कि सर एक बात रहेगी, और मैं आप मेरा सबसे आग्रह रहेगा एक बार, क्योंकि बार बार जब वीडियो क्लिप देखा कि उन्होंने कहा कि अध्यापकों को फ्रंट लाइन वर्कर, और फिर क्या कर रहा है, ईश्वर की तरफ कर रहा है, कह रहा हूँ बद्दुआ दे रहा है हमें, ईश्वर की तरफ कह रहा है कि अध्यापक आपके मंत्रिमंडल ने पास किया और आप ईश्वर को इसमें साक्षी मान रहे हैं, और आप ईश्वर की तरफ हमें मतलब कहने का मतलब बद्दुआ अध्यापकों को दी जा रही है, तो ये किसी भी कीमत पर सहन नहीं हो सकता। जी जी देखिए सही बात है, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने ध्यान केंद्रित किया है कि उन्होंने इस तरीके से ही कहा है कि फ्रंट में इनको किस लिए लाया गया, ये तो भगवान जाने, भाई भगवान जाने, और ये निर्णय आपके मंत्रिमंडल में हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने मंत्रिमंडल का जो निर्णय है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो इस प्रकार की मानसिकता ये हिमाचल में मैं कहूंगा कि खासकर नहीं चलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ऐसा देश नहीं है, ऐसा प्रदेश नहीं है जो अन्य राज्यों की तरह है, जहां पर शिक्षकों के प्रति जैसे भी कुछ भी कह दिया जाए और किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से शिक्षकों को भर्ती कर लिया जाए। यहाँ पर हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है वो पदों पर आते हैं, और अपना जो मैं कहता हूँ अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसको और भी ज्यादा है वो अपनी डेडिकेशन से निभाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे चलाते हैं। मेरे घर के जो सदस्य हैं वो मुझे प्रतिदिन कहते हैं कि हम तो यही कहते हैं स्कूल लग जाए तो अच्छा रहेगा, तुम सवेरे मतलब 6 बजे बैठ जाते हो कंप्यूटर के ऊपर, रात को 11-11 बजे तक तुम सारा दिन कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कमरे में बैठे रहते हो, तो इससे अच्छा तो स्कूल लग जाते तो स्कूल में चले जाते, वहां पर तो कम से कम पढ़ाते तो सही, वहां पर तुम्हारा समय तो था 9 बजे से लेके 3 बजे तक। तो ऐसी ऐसी विडंबनाएं पूरे शिक्षक समाज के साथ है, और फिर प्रश्न ये कि शिक्षकों के मजे हैं ये सही नहीं है। तो अब हमारे साथ हेमराज जी हैं, ये कहना चाहते हैं कुछ, मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखें। जी अमन जी, मैं इसी कड़ी को आगे इसमें जोड़ता हुआ कहना चाहूंगा कि जैसे शिक्षकों के बारे में आज की डेट में समय जो जानना है, जानकारी लेनी है, तो वो बच्चों के अभिभावक ही बता सकते हैं कि पूरा दिन भर शिक्षक कितने समय जो है उसमें लाइव क्लासेस लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उनकी बेटी भी एक शिक्षिका है, उनके घर से खुद जो उनकी बेटी भी एक शिक्षिका है और वो भी शिक्षण का कार्य आजकल कर रहे हैं, तो क्या उनकी जो ये छवि है, क्या वो अपनी बेटी के प्रति भी उनका यही रवैया है? दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे प्राथमिक शिक्षक है, मैं अपने शिक्षकों की बात करूंगा,
हिमाचल कैसे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत है जहां पर ये मंत्री लोग और नेता लोग वोट मांगने तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर इस तरह का व्यवहार इनका रहा तो हम इनका हर क्षेत्र में विरोध करेंगे और उनको अपने अपने गांव में तक जाकर के जो है ऐसी सभा में जाकर के उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में ऐसे कोई बयान मंत्री महोदय ना जारी करें और ये जो अभी उन्होंने शिक्षकों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है उसके लिए वो माफी मांगे और हम सभी शिक्षक संगठन सभी शिक्षक समाज जो है मिलकर हम यही सभी मिलकर ही यहाँ से इस मंच से कहना चाह रहे हैं कि मंत्री जी तुरंत जो है इस पर माफी मांगे और अगर उनको हमारे कार्य की जांच करनी है तो वो हमारे से नहीं वो अपने जो बच्चों के अभिभावक हैं अपने चुनावी क्षेत्र में जाके देखें और जहां उनका अपना एरिया है कि वहां के बच्चों के अभिभावक क्या राय जो है हमारे शिक्षकों के प्रति रखते हैं और किस तरह से जैसे हमारे आदरणीय श्री केसर सिंह सर जी ने भी कहा कि सुबह से रात तक हमारे शिक्षक लगातार क्लासेस ले रहे हैं। मेरी पत्नी भी मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षिका है, मैं खुद शिक्षक हूँ, मेरी दो बेटियां हैं वो भी स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहे हैं, तो हम किस तरह से उनको मैनेज करते हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे से क्लासेस लग जाती है, पेरेंट्स को जैसे वो चाहते हैं उस हिसाब से मैनेज करते हैं, रात को 9 बजे भी क्लास लगाते हैं, दोपहर को भी लगाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को भी क्लास लगाते हैं। तो इस मानसिक स्थिति से हम सब मिलकर के किस तरह से तालमेल बना करके हम अभिभावकों के साथ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने जैसे आदरणीय मरकेश सर ने कहा कि जिन बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं थे स्मार्टफोन नहीं थे मोबाइल नहीं थे नेटवर्क नहीं था तो वहां पे जाके हमने घर घर जाकर के उनको हार्ड कॉपियां दी है, होमवर्क पहुंचाया है, उनके जो बुक्स है उनका जो कॉपीज है वो वहां पर जाके चेक की है। और दूसरा मैं कहूंगा कि हम अपने ब्लॉक की बात करें, अपने जिला की बात करें, अपने प्रदेश की बात करें, हमने ऐसे गरीब बच्चों को नेक ऐसे गरीब बच्चों को जो है मोबाइल डोनेट किए हैं अपने पैसे से, शिक्षक साथियों ने उनके रिचार्ज के लिए पैसा दिया है, रिचार्ज करवाने के लिए गरीब बच्चों की मदद की है, पर ये सारी सेवाएं वो लोग क्या जाने, जो इस विभाग के मंत्री नहीं है तो उनको ये क्या मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है। हालांकि हमारी जो शिक्षा मंत्री जी है उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था सभी शिक्षक संगठनों से कहा था कि आप आगे आइए और जो जितने गरीब बच्चे हैं उनकी हेल्प करिए, उनको मोबाइल दीजिएगा, रिचार्ज करिएगा और सरकार की हेल्प करिए। और हम हमारे जितने भी शिक्षक संगठन है उन सब ने आगे आकर के उसमें मदद की है, लेकिन मंत्री जी है कि उनको अपने विभाग के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो वक्तव्य में हम सभी शिक्षक संगठन साथ हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनको अपने हर क्षेत्र में गांव गांव पे जाकर के भी इस चीज का विरोध का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस कोरोना काल में तो हमारे शिक्षक काल का ग्रास बने हैं, हमारे शास्त्रीय अध्यापक जो एक कांगड़ा में सेवारत थे, ऊना में सेवारत थे और शिमला जिला के थे तो न्यू पेंशन स्कीम में आते थे, अभी एक तो रेगुलर भी नहीं हुआ था और एक को 6 महीने रेगुलर हुए हुए थे, एक अन्य का भाई हमारा जो है काल का ग्रास बना। सरकार की तरफ से उनको क्या उनको सहायता दी गई, हमने तो सरकार की को भी आर्थिक सहायता दी और उन जो जिन जिस परिवार का वो चिराग गया है जिसके आगे कोई राह नहीं सहारा उनको भी हमने संबल प्रदान किया, शिक्षकों ने आर्थिक सहायता उनके परिवार की भी की। लेकिन इस तरह के बयान मैं आऊंगा आप क्योंकि समय भी हो रहा है पुंडीर जी के पास आऊंगा, पुंडीर जी क्योंकि अभी देखो इलेक्शन हुए और इलेक्शन पंचायती राज के इलेक्शन करवाए गए और उसके बाद जो है फिर कोरोना की थोड़ी स्थिति ठीक हुई और ठीक होने के बाद जब विद्यालय खुलने की बारी आई, कुछ दिनों के लिए खुले भी थे विद्यालय मार्च में, तो फिर जैसे ही विद्यालय खुले तो एकदम से कि टीचर जो है कोरोना संक्रमित पाया गया और उस पर भी जो है वो व्यंग्य किए गए कि स्कूल खुले नहीं और टीचर कोरोना जो है वो पॉजिटिव आने लगे। किस तरह की देखो कितना एक, क्योंकि चाहिए तो ये था, हमने निवेदन किया था चुनाव आयोग से और चुनाव अधिकारियों से कि जिन शिक्षकों ने जो है चुनाव में ड्यूटी दी है आप 7 दिन तक उनको क्वारंटीन रखो। मैं चुनाव ड्यूटी में था, मैंने अपने जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर उनसे कहा कि आप ग्रुप में कि 1 सप्ताह तक जो है शिक्षकों को जो भी चुनाव ड्यूटी में उनको क्वारंटीन करो 7 दिन तक। उनको बोला जी ऐसी व्यवस्था नहीं है, उनकी ओर से उत्तर आया कि ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। और उसके बाद स्कूल लगा दिए गए और शिक्षक जो है वो कहीं पॉजिटिव आए और व्यंग्य किया गया, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया कि स्कूल खुले नहीं और मास्टर पॉजिटिव आने लगे। तो इस तरह के व्यंग्य इस तरह की परिस्थितियां तो कितना हमें तनाव होता है। अब हम अंत की ओर जाएंगे और मैं चाहूंगा कि पुनीर जी आप एक संदेश भी दे करके जाएं, कम से कम यहां पर 1000 शिक्षक जो है जुड़ा है और 500 से ज्यादा कमेंट जो है हमारे पास आ चुके हैं और बहुत से सैकड़ों शिक्षकों ने इस हमारे कार्यक्रम को शेयर भी किया हुआ है। तो
आप शिक्षकों का संयम है कि इतना कुछ होने पर भी हम संयमित हैं और शांत बैठे हुए हैं, तो एक इस पूर्णता की ओर जाते हुए आप अब क्या कहना चाहेंगे इस विषय में डॉक्टर पुंडीर जी? जी अमन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, अमन जी। जी मैं आप सभी के साथ यही साझा करना चाह रहा था कि देखिए आज ये जो बयान आया है, इस बयान के लेकर केवल हम जितने अभी जुड़े हैं इतने ही लोग जो हैं या शिक्षक जो हैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। लगातार हमारे कार्यक्रम में इसमें 800 की संख्या जो है, 800 लगभग 800 की संख्या जो है पिछले जब से हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया तब से जुड़े हुए, तो लगभग ये जो कार्यक्रम है ये हजारों की संख्या में शिक्षकों के पास पहुंच चुका है और सभी ने कमेंट के माध्यम से इसमें अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, तो मैं यही बताना चाहता हूं। मनोज जी, जी ये विषय ऐसा विषय है, देखो जिसके जिसके बोलते ना कि अगर आपके अपने घर शीशे के हैं तो दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते। माननीय मंत्री महोदय की अपनी बिटिया जो है वो अध्यापिका है, और या तो वो उनको देख के ये सब कुछ बोल रहे होंगे, मुझे मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बट वो भी बहुत कर्मठ अध्यापिका है। आप सिर्फ इसलिए आप बोल रहे हो कि भी जनता ने आपने ताली बजानी है और ऐसे बयान दे कि आप एक पॉपुलरिटी को आप अडॉप्ट करते हो, वो आप गलत सोचते हो। मेरा सभी अध्यापक साथियों से और मैं हम एक विनती भी करेंगे आपके माध्यम से भी करेंगे और अपने दूसरे जो हमारा अपना माध्यम से भी हम करेंगे, अगर माननीय मंत्री महोदय ने बहुत जल्दी इस विषय पे माफी नहीं मांगी तो हम एक अभियान चलाएंगे इनके खिलाफ। इस अभियान में सभी अध्यापकों से सिग्नेचर अभियान चलाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम उनको ये भेजेंगे और विनती करेंगे कि जब अभी आपने बयान भी पढ़ा होगा, माननीय मंत्री ने कहा था कि अब तो मैं तो बूढ़ा बहन हो गया हूँ, और तो अगर आप हो गए तो आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ आप जाइए ना, हिमाचल में युवा नेतृत्व को मौका दे। तो ऐसी ऐसी चीजें ऐसे ऐसे मंचों से जो है आप अध्याप जो समाज में जो आप अभी आप बात करें जिस प्रकार के शब्द लोग यूज करते हैं, जब ऐसे नेतृत्व वाले लीडर हमारे आगे होंगे और इस प्रकार की भाषा का जब नेता को आप उपयोग कर रहा होगा समाज का हर आदमी इस प्रकार की बात, हमें बड़ा दुख होता है जब बार बार लोग ये बोलते हैं अध्यापक ने डेढ़ साल क्या नहीं किया। मेरी मुझे बताओ अध्यापक ने डेढ़ साल वो काम किया जो आप नहीं कर पाए। आप कोरोना के टाइम में हिमाचल प्रदेश में सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय फील्ड में थे, माननीय हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री फील्ड में थे, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय पूरे प्रदेश के अध्यापक जो पॉजिटिव हुए उनसे बातचीत की। आप सिर्फ ये व्याख्यान आप कर रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो आपका इतिहास भी हम जानते हैं और आने वाला समय भी आपको लग जाएगा पता है अध्यापक को। अध्यापक जब तक अध्यापक ना किसी को बुरा खुद बोलता है ना वो सहन करने के सहन करेगा। दूसरे एक विषय यहाँ पे जरूर आना चाहिए, हम ये हम सबका दायित्व बनता है, हम हर उस बात का विरोध करें जो हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाता है। ये मुझे तो उनकी बातों से ये लग रहा था कि सिर्फ आपका आईपीएच विभाग ही जो विभाग देख रहे हैं हम कैसे लड़ रहा है आपस में, आईपीएच विभाग ही काम कर रहा है। मेरे धर्मपत्नी स्वास्थ्य विभाग में काम करती है, आप पूछिए जरा स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार लोग सेवाएं दे रहे, किस प्रकार की आपने चुनाव में आपने काम किया हुआ है। अरे माननीय मंत्री महोदय आप अध्यापकों के बगैर तो आप चुनाव तक नहीं करा पाते, फिर किस प्रकार के आप घमंड लेके आप चलते हैं। तो ये हम सबको देखना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर आके एक मंच पे काम करना पड़ेगा और ऐसे मंत्री को जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करता है उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और समाज की भी एक मानसिकता है, कई बार हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं वो भी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने समाचारों में करते हैं कि अब कसेगा शिक्षकों के ऊपर शिकंजा। तो मैं कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से ऐसे सभी पत्रकारों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि शिक्षक ही इस समाज के सूत्रधार हैं। ये समाज यदि विश्व गुरु की ओर बढ़ता है तो उसमें प्रमुख भूमिका जो है वो शिक्षकों की होगी और शिक्षकों की रही है। शिक्षकों के बल पर ही हमने पूरे विश्व में विश्व गुरु का ताज पहना है, और यदि आज आप शिक्षकों के मान सम्मान के ऊपर चोट पहुंचाते हैं
तो उनका मनोबल गिरेगा। और उन्होंने आज तक जो जो प्रयास सरकारों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर किए हैं वो सारे के सारे प्रयास धराशायी हो जाएंगे।